अस्सलाम वालेकुम, वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ हाजिर हैं और आज हम वॉक एंड टॉक की जगह ड्राइव कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि बारिश हो रही है और हमें कहीं जाना था, तो हमने कहा दोनों काम इकट्ठे कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं, कल से एक न्यूज़ चल रही है और काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो आई फील कि यार मेरे पास भी टाइम है, हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो इस पर वीडियो बना लें एक कि यार शुएब अख्तर और जो डॉक्टर नुमान नियाज हैं उनका जो है वो डॉक्टर नुमान नियाज ने ऑन एयर बदतमीज़ी की शुएब अख्तर के साथ और क्या कहते हैं उन्होंने बहुत गलत किया और एक्स वाई ज़ेड, काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है विच इज़ फेयर, हर कोई अपना क्या कहते हैं टेक इसके ऊपर दे रहा है। तो मैंने कहा यार मैं भी अपने दो सेंट्स इसके ऊपर दे दूँ। तो शुएब अख्तर सर हम सब जानते हैं लेजेंड प्लेयर हैं, 40-45 टेस्ट मैच खेले हैं, काफ़ी सारे वनडे खेले हैं पाकिस्तान के लिए और फास्टेस्ट बॉलर थे और प्राइड ऑफ पाकिस्तान और काफ़ी मैचेस उन्होंने पाकिस्तान को जितवाए, 13 साल पाकिस्तान के लिए खेले, 14 साल खेले, तो देर इज़ नो डाउट अबाउट हिज स्टेटस एज अ क्रिकेट प्लेयर, देर इज़ नो डाउट के ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू क्रिकेट इन जनरल, नॉट जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट। उन्होंने फास्ट बॉलिंग को रिवाइव किया और वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ इन क्रिकेट इन ये 2000s, राइट, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक जान डाल दी क्रिकेट में, तो कोई इसमें वो दूसरी बात नहीं है एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हिम। अच्छा, अब सेकंड बात ये है कि जो इंसिडेंस हुआ उसके ऊपर है, अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार नुमान डॉक्टर नुमान नियाज क्या कहते हैं उन्होंने बदतमीज़ी की और सब कुछ किया, विच यू कैन सी, क्योंकि हमें तो पूरे स्टोरी का नहीं पता, छोटा सा क्लिप ही था, तो अंदर की बात शुएब अख्तर भाई ने बाद में कहा कि यार जो मतलब उन्होंने बताया कि उन्होंने थोड़ा सा रूड हो गए थे और एक्स वाई जेड, डॉक्टर साहब ने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यार दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी। अच्छा, अब एक चीज़ है कि यार हम शुएब अख्तर नो डाउट लेजेंड हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज़, आई हैव नो डाउट्स अबाउट हिम एंड उनके साथ किसी को भी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली ये कि यार शायद आप लोग जानते हों या ना जानते हों, डॉक्टर नुमान नियाज रिवाइव्ड काइंड ऑफ पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जो है ना एक जो शोज़ थे उन्होंने रिवाइव किया है ना, तो वी शुड गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, ही इज़ बिन इन द क्रिकेट सॉर्ट ऑफ टी वी प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, 25 साल हो गए यार, तो इट्स नॉट कि यार उन्होंने कौम की खिदमत नहीं की, तो इस चीज़ ये जो है ना सेंटीमेंट है कि जी शुएब अख्तर, देखें शुएब अख्तर ने क्रिकेट खेली क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें टैलेंट दिया था और उन्होंने मेहनत की और उन्होंने खेली, अब डॉक्टर साहब में जो स्किल्स थी, मतलब ही इज़ ऑब्वियसली डॉक्टर, बट उसमें जो क्रिकेट की नॉलेज थी और स्किल्स थी उन्होंने अपनी तरह जो है वो क्रिकेट को जो PTV पे जो क्रिकेट है या वैसे इन जनरल पाकिस्तान TV पे जो प्रोग्राम्स क्रिकेट के हैं उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग बनाए, बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाया, नो डाउट ज़ाहिर है कि बड़े प्लेयर्स वैसे तो नहीं आए होंगे, इन्होंने पैसे देके ही बुलाया होगा जो नॉर्मल होता है, लेकिन इसी तरह जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी मुफ्त में तो नहीं खेलते, वो भी पैसे लेके ही खेलते हैं, उनको मैच फीस वगैरह मिलती है, तो आई थिंक कि डॉक्टर नुमान नियाज को बिल्कुल डिसरिगार्ड करना भी गलत है, क्योंकि उन्होंने भी कौम को कुछ खिदमात दी हैं, इस तरह नहीं है कि यार उनकी बिल्कुल खिदमात नहीं है, नो डाउट उनकी जॉब है, लेकिन सिमिलरली हमारे जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनको भी खेलने के पैसे मिल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने ऑब्वियसली एज ए सेड कि हम उससे पहले जो था ना वो हम या तो गोरे एक्सपर्ट्स की बातें सुनते थे या उनके शोज़ देखते थे या फिर जो है वो जो पाकिस्तान का जो डॉक्टर नुमान नियाज साहब के आने से पहले जो था ना स्टैंडर्ड जो TV जो एंकर्स होते थे क्रिकेट के एक्सपर्ट्स होते थे वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते थे और इतने अच्छे नहीं होते, तो मेरी ओपिनियन है जाती, इसमें आप बिल्कुल डिसएग्री कर लेते कह सकते हैं, तो डॉक्टर नुमान नियाज में खेल 96 के वर्ल्ड कप में मैंने शायद उनको उसके बाद फर्स्ट टाइम देखा था, नीवस वीवस पर डी गुड TV जो एनालिस्ट जो एनालाइज कर रहे थे, आई क्वाइट लाइक्ड हिज एनालिसिस रिगार्डलेस ऑफ ही इज प्लेड हाउ मच क्रिकेट और व्हाटएवर, तो एक जिस चीज़ को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, एक बंदा 25 साल से TV पे शोज़ कर रहा है, आई एम श्योर कि यार उस बंदे ने भी कौम की खिदमत की है, तो उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड ना करें, आई थिंक दैट वुड बी अनफेयर। बाकी जिस तरह वो रिसेंटली उनका जो गेम ऑन है शो था वो हम सारे देखते रहे हैं और राशिद लतीफ़ होते थे, कभी मोहम्मद वसीम होते थे, शुएब अख्तर होते थे, सकलैन मुश्ताक आ जाते थे, तो और उसके बाद वो इंटरनेशनल प्लेयर्स ब्रायन लारा को लाए, एंड्रयू साइमंड्स आए, फिर क्या कहते हैं डेमन मार्टिन आए, वेस्टइंडीज़ के लेजेंड विव रिचर्ड्स से अभी डेविड गाबर हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े नाम बुलाए हैं, पहले भी तो बुला सकते थे और लोग भी बुला सकते थे, अब ये ना कहें कि यार उन्होंने क्यों बुलाए, और बाकी भी देखिए उन्होंने बुलाए इसलिए कि दे ऑल रिस्पेक्ट हिम, राइट, एज अ क्रिकेट हिस्टोरियन, एज अ क्रिकेट, अब जो भी समझ लें उनको एक्सपर्ट समझ लें, जो कुछ भी समझ लें, बट आई थिंक ही इज़ डन, ही सर्व द नेशन एज वेल एज सॉर्ट ऑफ एनी अदर एंकर इन क्रिकेट, क्या कहते हैं कैपेसिटी आप समझ कह सकते हैं, सही है, तो उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड ना करें।
अच्छा, अब जो क्लिप चला है उन्होंने बदतमीजी की है, वो बहुत बुरा लगा मुझे भी, क्योंकि साथ हमारे फॉरनर्स बैठे हुए थे और जस्ट डिडंट लुक गुड। अच्छा, अब एक और चीज़ है, नुमान नियाज ऑब्वियसली शोएब अख्तर को मिड 90s से ही जानते हैं, जब से शोएब भाई आए हैं टेस्ट क्रिकेट में और पाकिस्तान टीम के साथ थे और सब कुछ था। मेरे ख्याल नुमान भाई थोड़े से एज अ डॉक्टर भी रहे पाकिस्तान टीम के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट 90s में। अच्छा, अब क्या कहते हैं, जो नुमान नियाज हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आई थिंक यार शोएब अख्तर को इतना पुराना जानते हैं, तो आई प्रॉब्ली थिंक कि उनकी फ्रेंकनेस भी होगी और एक तरह से छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते होंगे उनको। तो आई फेल्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव एनी वेज, उन्होंने उनको उसी तरह पहले थोड़ा सा इशारतन मना किया, भाई बाज आ जाओ, ठीक है, और फिर उन्होंने उनको कहा कि यार आपको लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आप जा सकते हैं ना। तो आई फेल्ट मेरी थोड़ा सा परसेप्शन ये है कि मुझे ऐसे लगा कि शायद उन्होंने जिस तरह अपने छोटे भाई को मना नहीं कहता यार बाज आ जाओ, ये सबके सामने थोड़ी सी बेइज्जती कर देता है, आई फेल्ट दैट वे। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इनके काफ़ी सारे शोज़ वगैरह देखे हुए हैं और सब कुछ है, तो मुझे ऐसे लगा कि कोई उन्होंने ना कोई इस तरह कुछ चीज़ अनॉइंग कर रहे थे शोएब अख्तर, जिस पे उन्होंने इस तरह कहा, और नहीं कहना चाहिए था नो डाउट, लेकिन अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यार एक बंदा आपसे बड़ा है 5-6 साल और आपको कोई 20-25 साल से जानता है और अच्छी तरह जानता है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, तो वो शायद आपको छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा हो, सही, और फिर अगर आप मस्ती कर रहे हैं जो भी क्या कहते हैं उनको इरीटेट कर रहे हैं बार बार, तो उन्होंने ये कह दिया, गलत कहा बिल्कुल, लेकिन और जो जिस पर्सपेक्टिव में थे काफ़ी सारे लोग आगे पीछे बैठे हुए थे, तो आई थिंक कि उसमें शायद उन्हें थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए था, लेकिन वी डोंट नो कि उनको इरिटेट किस चीज़ ने किया, क्योंकि ये पहला शो नहीं कर रहे नुमान नियाज, 25 साल से टीवी पे आ रहे हैं, एंड ही कम्स अक्रॉस समवन हु इज़ वेल वर्स्ड एंड हु नोज़ द एटिकेट्स। मुझे अच्छी तरह एक एपिसोड में डेमिन मार्टिन थे और डेमिन मार्टिन कोई बात बिल्कुल गलत कर रहे थे, वो खैर लुक रॉन्की के बारे में बात कर रहे थे कि यार लुक रॉन्की जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया से, और डॉक्टर साहब कह रहे थे खेला, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जाने दिया ना, तो यू कैन सी दैट फ्रस्ट्रेशन ऑन द फेस, बट उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसमें डॉक्टर साहब के फेस से आपको पता लग रहा था कि यार डेमिन मार्टिन को अपना ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं पता सही, लेकिन डॉक्टर साहब ने काफ़ी तरीके से उसको डील किया ना सही, और डेमिन मार्टिन थोड़ा सा रूट टाइप का हो रहा था मुझे ऐसे लगा। तो अब अगर एक 25 साल में एक बंदे ने जो है वो क्या कहते हैं एक बार इस तरह कर लिया है, और वो भी ऐसे बंदे के साथ जो उनके साथ 25 साल से हैं और जो शायद उनको अपना छोटा भाई समझते हुए उनको मतलब एक तरह से अपनी तरफ से डांट रहे हों, तो आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर है कि जितना जो बैकलैश डॉक्टर नुमान नियाज को मिल रहा है और उनका सब कुछ डिसरिगार्ड कर लिया गया, यार ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल, तो वी शुडंट थिंक कि यार सिर्फ शोएब अख्तर ही हमारे स्टार हैं, नुमान नियाज भी जो है वो उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। पर्सनली मैं उनको लाइक करता हूँ या नहीं लाइक करता ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि आई फेल्ट के जो है ना वो एक तरह से उनकी अपनी लॉबी बन गई है, जिसमें राशिद भाई हो गए, वो हो गए, मोहम्मद वसीम हो गए, बट दैट्स फाइन, आई मीन दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन पाकिस्तान एनीवेज। लेकिन अगर आप ये देखें कि यार उन्होंने जो क्रिकेट को ना पीटीवी की क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गए हैं वो, ठीक है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान टेलीविजन का जो गेम ऑन है था इट वाज एनी लेस देन एनी अदर, उसमें बड़े अच्छे सवाल होते थे, अच्छी डिस्कशंस होती थी, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए, मेगरा को बुलाए, बड़े बड़े नाम बुलाए, तो आई थिंक और वो सारे आ रहे थे और वो प्रोग्राम्स पूरे कर रहे थे, कभी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ, तो ये शोएब अख्तर साहब के साथ ही क्यों हुआ, दिस इज़ अ स्ट्रेंज क्वेश्चन, अगेन नहीं होना चाहिए था, जिसके साथ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यार थोड़ा सा ना मार्जिन ऑफ एरर डॉक्टर साहब को अगर आप दे दें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड एज वेल, एंड प्लीज़ डोंट डिसरिगार्ड हिम कम्प्लीटली लाइक वी ऑल आर। बाकी उनको शोएब अख्तर से माजरत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जिस तरह शोएब अख्तर ने कहा कि उन्हें टीवी में करनी चाहिए, तो आई थिंक कि ये मैं उन पर ही छोड़ूंगा पर्सनली। अगर तो वो शोएब अख्तर को 25 साल से जानते हैं और ही इज़ अलॉट ओल्डर देन शोएब अख्तर, तो आई थिंक कि दरगुजर कर दें, अगर शोएब अख्तर की दलाजारी हुई है सबकी तो दरगुजर कर दें, उनसे पब्लिक अपॉलोजी ना मांगे तो बेहतर है मेरे हिसाब में, वो दे दें तो उनकी बड़ाई है, लेकिन वो शोएब अख्तर से 6-7 साल तो बड़े होंगे, 5-6 साल तो बड़े होंगे, एंड ही माइट हैव टोल्ड हिम ऑफ लाइक एन ओल्डर ब्रदर टू यंगर ब्रदर। तो खैर ये मेरी एपिसोड थी, मैंने कहा ज़रूरी है क्योंकि फेसबुक वगैरह पर इतने ज़्यादा लोग नुमान नियाज भाई को बुरा भला कह रहे थे, मैंने कहा यार ये थोड़ी सी ज़्यादती हम लोग कर रहे हैं,
शोएब अख्तर नो डाउट हमारे स्टार हैं और उनके साथ किसी को भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बेशक उनके बड़े भाई नुमान नियाज क्यों ना हो, लेकिन अगर हो गया है तो इसको अगर हम मेच्योरली डील करें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। चलें इंशाल्लाह हम वॉक एंड टॉक क्रिकेट के एपिसोड्स करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।